हेलो गाइज, वेलकम टू दी ब्लैक मैजिक ऑफ शॉर्ट ट्रिक। आज का अपना टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इंटरपोल की, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये अभी हाल ही में न्यूज में रहा है, जो किम जोंग यांग हैं, ये इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं। अब बेसिकली इंटरपोल रिलेटेड जितने फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। इसकी स्थापना की बात करें, इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर ऑफ 1923। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इंटरपोल का फॉर्मेशन ईयर क्या है। 1923 है। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा लियोन, फ्रांस में है। टोटल मेंबर कंट्रीज की बात करें, 194 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट है वो है किम जोंग यांग। अब आपके लिए यहां पर सवाल रहेगा, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा इस वीडियो का कंप्लीट होने के बाद, या वीडियो जब पोस्ट हो जाए उसके नीचे, कि किम जोंग यांग इज फ्रॉम विच कंट्री, ये किस कंट्री से है। मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। अपार्ट फ्रॉम बात करें सेक्रेटरी जनरल की, तो वो है जर्जन स्टॉक। इसी पर बेस्ड एक एमसीक्यू आपके लिए फॉर्म किया है कि इंटरपोल के टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है। तो यहां से आप इजीली टिक करते हैं इसके पॉइंट्स को पढ़ने के बाद कि इंटरपोल की टोटल 194 कंट्रीज हैं। गाइस याद रखिएगा, आपको इसके सेक्रेटरी जनरल की कंट्री पोस्ट करनी है, कि जो प्रेस सॉरी माफ करिएगा जो प्रेसिडेंट है किम जोंग यांग वो किस कंट्रीज हैं, ये आपको पोस्ट करना है। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर डिस्कशन करेंगे हम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के बारे में। ये भी अभी रिसेंट में न्यूज में रहा है। इसमें जो अपॉइंटमेंट रही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की वो है जॉयस मसीयू। इससे पहले जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करें वो थे एरिक सोलहेम। अब इनकी जगह जो अपॉइंटमेंट रहा है वो जॉयस मसीयू का रहा है, जो कि तंजानिया की हैं। अभी ये एक्टिंग है, मतलब अभी ये फुल टाइम इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बनी, अभी ये कह सकते हैं कि टेम्पररी बेसिस पर बनाई गई हैं। जब तक अभी कोई फुल टाइम नहीं अपॉइंट होता तब तक। अब इसके बारे में चलिए चर्चा जो में रहा है तो कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। फॉर्मेशन ईयर है 5 जून 1972। हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या, एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज जॉयस मसीयू। यहां पर जो सवाल बना है वो ये बना है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का फॉर्मेशन ईयर क्या है। तो आप यहां से इजीली टिक कर सकते हैं कि भाई ऑप्शन नंबर 5 यहां पर राइट आंसर बनेगा। तंजानिया की बात करें, इसकी कैपिटल है डोडोमा और मुद्रा यहां पर शिलिंग चलती है, करेंसी शिलिंग है। केन्या की कैपिटल नैरोबी है और करेंसी यहां पर शिलिंग चलती है, ये बात याद रखिएगा। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ये है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यूएसए है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करें, यहां पर देखिए आप इनकी इमेज देख सकते हैं, हेनरीटा एच फॉरे इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। एंड प्रेसिडेंट की बात करते हैं, टोरे हेटरम प्रेसिडेंट है। तो मोस्ट रिलेवेंट मार्क करिएगा यहां पर हेडक्वार्टर और एस्टेब्लिशमेंट ईयर को, इसकी प्रायोरिटी पहले रहती है एग्जाम में पूछे जाने की। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेनरीटा एच फॉरे रहेंगी और टोरे हेटरम बात करें वो प्रेसिडेंट। सवाल यहां पर बना है कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड का हेडक्वार्टर क्या है, माफ करिएगा फॉर्मेशन ईयर क्या है, तो वो आपको याद रखना है 1946। आई होप सो तीनों ही पॉइंट्स आपके बेहतर तरीके से क्लियर होंगे, तीनों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। सेशन पसंद आए प्लीज इसको जितना हो सकता है उतना शेयर करिए। एंड गुड बाय, टेक केयर।